सब्सक्राइब कीजिए आरसीएम बिजनेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज हम देखने वाले हैं आरसीएम बिजनेस प्लान। आज हम जो भी कुछ काम करते हैं, वह बिजनेस हो या जॉब, तो वह किस लिए करते हैं? तो वह हम करते हैं पैसों के लिए। और यह पैसा हम क्या करते हैं? तो वह जरूरत की चीजों के लिए खर्च करते हैं। यह खर्च हम जिस मार्केट में करते हैं उसका एक बिजनेस मॉडल है, उसे कहा जाता है ट्रेडिशनल मार्केट। तो यह ट्रेडिशनल मार्केट किस तरह काम करता है यह हम देखते हैं। एक कंपनी होती है जो चीजें बनाती है और हम ग्राहक जो इसे इस्तेमाल करते हैं। कंपनी अपनी चीजें वितरण व्यवस्था के माध्यम से, यानी एजेंट, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, इनके माध्यम से एक सिस्टम से चीजें ग्राहकों तक पहुंचाती है। इस बिजनेस मॉडल में एजेंट, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, इनका कमीशन होता है। एक प्रोडक्ट की आज कई सारी कंपनियां हैं। हर कंपनी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग करती है, एडवर्टाइजिंग करती है, और इन एड्स में सेलिब्रिटी लोग होते हैं जिनका प्रभाव सामान्य ग्राहक पर होता है। एड्स का खर्च करोड़ों में होता है। अगर एक चीज कंपनी के मुनाफे के साथ 50 रुपए में बनती है तो वह एजेंट, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, इनका कमीशन तथा एड्स का खर्च सामान्य ग्राहक की जेब से जाता है। वह 50 रुपए की चीज हमें एमआरपी के नाम पर 100 रुपए या उससे भी अधिक कीमत पर मिलती है। सीधा सीधा यह सामान्य ग्राहक की मेहनत का 50% पैसा मिडल मैन और मार्केटिंग में चला जाता है। इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में ग्राहक के कुछ नुकसान दिखाई देते हैं। यह पूरा मार्केट ग्राहक पर निर्भर है, परंतु ग्राहक का इसमें फायदा नहीं है। पहला नुकसान, यह चीजें महंगी मिलती है। दूसरा नुकसान, मिडल मैन ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए चीजों में मिलावट करते हैं, यानी चीजें मिलावटी मिलने की संभावना इस मार्केट में ज्यादा है। तीसरा नुकसान यह है कि ग्राहक को इस मार्केट से आज तक 1 रुपया भी वापस नहीं आया है, मतलब यहाँ से कोई इनकम के आसार भी नहीं है। बदलते समय के साथ मार्केट में दूसरा बिजनेस मॉडल आया, चीजें कंपनी ही बनाएंगी, ग्राहक ही इस्तेमाल करेंगे। बीच में आए मॉल, सभी ब्रांड की चीजें एक छत के नीचे मिलने लगी, मगर इसमें भी ग्राहक का कोई फायदा नहीं था। उसके बाद तीसरा बिजनेस मॉडल आया, कंपनी चीजें बनाएंगी, ग्राहक इस्तेमाल करेगा। बीच में आया ऑनलाइन, ऑनलाइन कभी भी ऑर्डर करके चीजें घर बैठे पा सकते हैं, परंतु इसमें भी सामान्य ग्राहक का कोई फायदा नहीं था। सभी की नजर ग्राहक की मेहनत की 50% पैसे पर है, परंतु पूरे विश्व में 1969 और भारत में 1996 में एक नया बिजनेस मॉडल आया, एक नई सिस्टम आई जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यह बिजनेस मॉडल ग्राहक के लिए बनाया गया है। यह बिजनेस मॉडल इस प्रकार है, एक कंपनी जो चीज बनाएंगी, ग्राहक जो इस्तेमाल करेंगे, बीच में कोई भी नहीं, डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर, कंपनी अपने ही शोरूम से प्रोडक्ट देंगी। इस बिजनेस मॉडल से ग्राहक का क्या फायदा होगा? एक चीज कंपनी के मुनाफे के साथ अगर 50 रुपए में बनेगी तो वह ग्राहक को 95 रुपए में मिलेंगी, यानी पहला फायदा ग्राहक को इसमें बचत होगी 10-20%। दूसरा फायदा, चीजें यहाँ 100% प्योर मिलेंगी, डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर होने की वजह से, बीच में कोई भी मिडल मैन न होने की वजह से यहाँ मिलावट की संभावना नहीं है। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा यह कि यहाँ से इनकम लेने का अवसर प्राप्त होगा। आप सोचेंगे कि 50 रुपए की चीज 95 रुपए में, यानी थोड़ी महंगी, परंतु बीच में जो 45% पैसा है वह कंपनी एक सिस्टम द्वारा वापस ग्राहकों में ही बांटेगी। अगर हमें यह 45% पैसा लेना है तो हमें क्या करना होगा? तो हमें इस कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। बस हमें दुकान बदलनी है, जो आज तक ट्रेडिशनल मार्केट से सामान खरीदते थे अब यहाँ से खरीदना है। हमें इनकम का जो अवसर प्रदान होने वाला है वह कितना बड़ा है यह देखना है, तो वह इस प्रकार है। हमें इसमें 3 प्रकार से इनकम आ सकती है। नंबर 1, परफॉर्मेंस बोनस 10% से लेकर 32% तक। इसकी शुरुआत होती है 500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक पर मंथ, हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से। नंबर 2 की इनकम है रॉयल्टी बोनस 3% से लेकर 8% तक। इसकी शुरुआत होती है 18,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए पर मंथ। रॉयल्टी इनकम का मतलब सिक्योरिटी,
रॉयल्टी इनकम वो इनकम होती है काम एक बार, इनकम बार बार लगातार। यह इनकम सिर्फ तीन लोगों को मिलती है, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। इन्होंने एक बार जो काम कर दिया उस काम की इनकम उनको और उनके बाद उनकी फैमिली को मिलती है। नंबर तीन की इनकम है टेक्निकल बोनस। यह 1% से लेकर 5% तक, इसकी शुरुआत होती है 40,000 रुपए से लेकर आगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो भी पर मंथ। हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। भिलवाड़ा राजस्थान की यह भारतीय कंपनी है। यह कंपनी 1977 से मार्केट में ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से कपड़ा यह प्रोडक्ट देती थी, परंतु अगस्त 2000 से ग्राहकों के फायदे के लिए कंपनी ने क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए इनका प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग से देना शुरू किया। कंपनी ने अगस्त 2000 में जब काम शुरू किया तब एक प्रोडक्ट था कपड़ा, और एक शोरूम था जो कि राजस्थान भिलवाड़ा में था, और कुछ सौ एक लोग थे जो इस डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा सामान खरीदते थे। पर आज साल 2018 है, इसमें क्या बदलाव हुए? एक प्रोडक्ट था, आज 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है। एक शोरूम था, आज 7,000 से ज्यादा आउटलेट है। कुछ सौ एक लोग थे, आज 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग कंपनी में रजिस्टर्ड है। कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, पर कंपनी आरसीएम इस ब्रांड से अपने प्रोडक्ट मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग द्वारा ग्राहकों को इनकम का अवसर प्रदान करती है। भारत सरकार ने 9 सितंबर 2017 को डायरेक्ट सेलिंग पर कानून बनाकर सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को गाइडलाइन देते हुए इस गाइडलाइन के अंदर काम करने वाली सभी कंपनियों को सरकार बढ़ावा दे रही है, और खुशी की बात यह है कि हमारी आरसीएम कंपनी इस गाइडलाइन के अनुसार ही सभी कार्य कर रही है। कंपनी के साथ न्यूट्रीचार्ज, गुड डॉट जैसी कुछ ब्रांड आने की वजह से कंपनी तरक्की के मार्ग पर अग्रसर है। तो आइए और डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाइए आरसीएम के साथ। लाइक द वीडियो सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।